वही है। और अभी क्या हो गया कि एक महीने में एक बार या दो महीने में एक बार मटन बनता है, तो मम्मी को लगता है कि ज्यादा आ जाए तो वो चार दिन तक खाए, लेकिन भाई ने बोला। और अभी जो भी है, अभी सबकी एज भी हो रही है और थोड़ा मम्मी को भी कोलेस्ट्रॉल हल्का सा रहता है, चोट अलग अलग करने का, मम्मी को शुगर। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो में आप लोगों को हम शुएब इब्राहिम और अम्मी की जो है वो क्यूट सी फाइट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, तो एंजॉय करिए प्यारी प्यारी नोक झोंक। ताकि एक टाइम पे एक दो पीस खाओ और सब खत्म हो जाए। तो फिर आखिर में जीता मैं। अम्मी ने पहले बताया काम करो, मैं न्यास तो किसी चीज़ में भी हो सकती है, तो मैं लिखा नहीं है कि न्यास तो सिर्फ मटन में होनी चाहिए। मैंने कहा मीठा हलवा बना लो, आप न्यास दे दो। फिर बाद में अम्मी समझे कि बेटा अब तो मैं फंस गई, अब मैं क्या करूँ। तो अभी बोलती ठीक है फिर एक किलो मंगा दो। लेकिन डेढ़ किलो या दो किलो मटन मंगवा दिया तो बनाएंगे एक साथ पूरा नहीं, उसमें से भी इतना उतना बचा बचा के वो खाना उनको चार दिन ही है। तो इस वजह से मैं ज्यादा नहीं मंगाता हूँ, इतना मंगाओ कि हम सब लोग हैं। क्या करेंगे फिर, कभी मेथी में डाल देंगी, कभी दाल में डाल देंगी, कभी किसी चीज में। अम्मी नहीं खाती, अम्मी जो खाती है वो तो खाती है, लेकिन ये माँ की मोहब्बत है कि बच्चों को बना के खिलाती है तीन दिन, क्या बुराई की बात है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अम्मी गलत बोल रही है, मोहब्बत अम्मी बच्चों की मोहब्बत। अच्छा अम्मी, अच्छा बताओ, मैं कितना नहीं खाऊंगा। जब भी घर में मटन या चिकन बनता है ज्यादा मैं एक बार खाता हूँ, दोबारा नहीं खाता। अम्मी आपने बनाया, मैंने एक बार खा लिया, डाइट तोड़ी, लेकिन दोबारा नहीं खाऊंगा। तीन दिन कौन खाता है। कभी कभी सच बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि तीन दिन के बाद खुद बोलता है, पूछो कि अम्मी कुछ बचा है क्या, तो मैं डोगे में इतना रख देती हूं निकाल के चबा के खा लेती हूं। अब एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा मेरा हो जाता है कि देखो एक तो आप डाइट करते हो, ठीक है, तो नहीं हां डाइट करते आपका मन करता है, और उसके ऊपर से कभी नीचे आओ तो जो दो दिन का चिकन जो रखा हुआ था ना उसे गर्म करके खाते हैं, तो मन करता है पूछो तो मम्मी कुछ बचा है क्या, इसलिए मैं कभी मंगवा।